हम वर्षों से सपना देख रहे थे वहाँ चंबल का पानी आने वाला है, उसके 45,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं। अब डबल इंजन की सरकार आते ही मोदी जी ने 21 जिलों के लिए 45,000 करोड़ की आरसीपी सेंक्शन कर दी। 63 थानेदार जेल के सीखचों में हैं। मैंने पिछली सरकार में कहा था थानेदार फर्जी हैं, JN फर्जी हैं, मास्टर फर्जी हैं, SDM फर्जी हैं, लेकिन कुंडली मार के बैठ गई हेलो सरकार। क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के नेता बीजेपी में? डूबता जहाज है उसमें कौन रुकेगा, जब किसी गांव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ कोई भी बंदा टिकट लेके आएगा, कमल के फूल को लेके जो भी आएगा उसका प्रचार करूंगा। पिछले चुनाव में आपको पता है मैंने वोट बारात निकाली थी 2 गांव में। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है, किस तरीके से देखते हैं तारीख अब नज़दीक है? देखना क्या, पूरे 10 साल तक मोदी जी ने देश को उन्नत किया है, आगे ले गए, विश्व पटल पर हिंदुस्तान का दबदबा है, ये मोदी जी के कारण है। राम मंदिर बनाया, पूरा देश राम में है और हमारा इलाका विशेषकर जो 21 ज़िले हैं, हम वर्षों से सपना देख रहे थे वहाँ चंबल का पानी आने वाला है, उसके 45,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं। और दूसरी तरफ सेकावाटी को यमुना का पानी मोदी जी ने समझौता करा दिया, तो अब जब कुछ नहीं मिला था राजस्थान को तब सीटें जीती थी 25, फिर 25 जीती, फिर 25 जीतेंगे, अब की बार 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं पार करेंगे, देश पार कराएंगे। आपने एक सपना देखा था बहुत समय पहले ERCP को लेकर, पूरा हो गया, मोदी जी ने पूरा कर दिया। भजन लाल जी इतने पग फेरा है कि चंबल का पानी भी आ गया और यमुना का पानी भी आ गया राजस्थान। लेकिन जब आपने ये नाम लिया था ERCP का, जब सपना देखा था कोई नहीं जानता था, लेकिन 89 में पिछली चुनावों में काफी हल्ला हुआ। नहीं, 89 से जब मैं लोकसभा का चुनाव पहली बार सवाई माधोपुर से लड़ा था, जहाँ सर्वाधिक मतों से देश में भाजपा में जीत के गया था, तब से मैं मामले को उठा रहा हूँ संसद में भी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो, सड़क से संसद तक इस मुद्दे को। आपको पता भी 2 साल पहले 50,000 लोगों को हम कूच के करके लगे थे मीणा हाईकोर्ट से जयपुर, तब सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन पिछली सरकार कोरे आश्वासन दे रही थी। अब डबल इंजन की सरकार आते ही मोदी जी ने 21 जिलों के लिए 45,000 करोड़ की ERCP सेंक्शन कर दी। दल बदल भी कभी चल गया है चुनाव आने से पहले? दल बदल तो ठीक है, जिसकी मन में इच्छा है वो कहीं जाओ, जो हमारे सिद्धांतों से विचारधाराओं से खुश है उनके लिए दरवाजा खुल रहा है, आए और आ रहे हैं लोग। कस्बा जैसे भी कांग्रेस ने ज्वाइन किया है, कस्बा ने भी अब करते रहते हैं, ठीक है। हमने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम किसी कारण से पार्टी से हमको निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, लेकिन हम विचारधारा में बने रहे, फिर पार्टी ने जगह दे दी। पेपर लीक को काफ़ी आपने संघर्ष किया है, आपने ये भी कहा था कि बहुत मगरमच्छ हैं उनको पकड़ना जरूरी है और कार्रवाई भी हो रही है इस वक्त। 63 थानेदार जेल के सीखचों में हैं। मैंने पिछली सरकार में कहा था थानेदार फर्जी हैं, JN फर्जी हैं, मास्टर फर्जी हैं, SDM फर्जी हैं, लेकिन कुंडली मार के बैठ गई हेलो सरकार। अब बजंत लाल सरकार ऐसे को, जैसे प्रधानमंत्री जी कह गए थे चुनावों में विधानसभा के में कि पाताल से निकाल के भी पेपर लीक लोगों को निकाल के लाएंगे, तो पाताल में पहुंच गई हमारी SOG, 63 थानेदारों को डाल दिया 12 ताणी के पीछे, तो सब डलेंगे। आपने ये भी कहा था कि कुछ मंत्री भी हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं बड़े मगरमच्छ, उसकी गहराई से SOG जांच कर रही है। जो मंत्री विधायकों के नाम हमने बताए थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे RTSC के हेड हो, उन सब की गहराई में SOG जा रही है और उनके प्रमाण मैंने SOG को दे दिए व्यक्ति से मिल के, तो वहाँ भी उनको पुख्ता प्रमाण मिलेंगे तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा हो SOG नहीं छोड़ेगी। बहुत सारे बड़े नाम हैं कांग्रेस के, मालवीय लगा लीजिए, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार भाग रहे हैं, खिलाड़ी सिंह बेरवा भी हो गए, वो लालचंद कटारिया भी हो गए जिनके ऊपर ईडी का वो भी पड़ा था, क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के नेता बीजेपी में? डूबता जहाज है उसमें कौन रुकेगा, जब किसी गाँव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ भारत नहीं जो भारत तो जुड़ नहीं रहा, कांग्रेस टूट रही है, तो गांव में जैसे आग लगती है तो वो चूहे निकल के भागते हैं, वैसे लोग भाग कर। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव का, किस तरीके से डरे हुए हैं, बड़ा कितने बड़ा लड़े वो हारेगा,
उनके डर है, उन्होंने जनता में कोनो 60 साल तक देश की जनता के साथ धोखा किया, चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार फैलाया, लूटा और देश हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही चुनाव में। आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पूरी राजस्थान में अपनी बार विधानसभा में काफ़ी कोई भी बंदा टिकट लेके आएगा, कमल के फूल को लेके जो भी आएगा उसका प्रचार करूंगा। पिछले चुनाव में आपको पता है मैंने वोट बारात निकाली थी दो गांव में, तो जहां वोट की बारात निकलने वैसी बारात मतदाताओं को तैयार करेंगे और कमल के फूल में वोट डलवाएंगे। क्या पिछली बार की तरह वोट बैंक की यात्रा के अनुसार क्या लोकसभा चुनाव में जो उत्सव है उसमें जो भी कैंडिडेट को जिताने के प्रयास होते हैं सब तरह के प्रयास करेंगे, पूरा परिश्रम करेंगे। पूर्वी राजस्थान के भी कई नेता हैं जो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के आलाकमान के संपर्क में हैं। हाँ, उनका स्वागत। इनमें एक ओम प्रकाश बिरला का भी नाम शामिल है। कौन सा हम विरोध करेंगे? हाँ, वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, जो आना चाहे खूब आए, लेकिन काम करने की दृष्टि से आए, टिकट मांगने की दृष्टि से नहीं आए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।